हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पे, जहाँ पे आज आपके लिए लेकर आए हैं मैंगो आइसक्रीम की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसे बनाया है, प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ बनाई गई है। खाने से ही पता चल जाएगा कि इसमें हमारा मैंगो का टेस्ट कितना अच्छा आ रहा है, साथ ही आइसक्रीम का जो एक एक्चुअल फ्लेवर होता है वो भी इसमें निकल कर आएगा। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। गैस पे हमने रखी है कढ़ाई, जिसमें हमने एक कप दूध डाल के उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ हमने एक मिक्सिंग बाउल में हाफ कप दूध लिया है। जिस कप के मेजरमेंट से हमने एक कप दूध लिया था, उसी का हाफ यहाँ पे हमने दूध लिया है। साथ में ही उसमें हमने हाफ कप लिया है मिल्क पाउडर। मिक्सिंग बाउल में डाला गया दूध बिल्कुल ठंडा है, यानी फ्रिज का दूध यहाँ पर हमने लिया है। जब हम इसमें मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे तो ईजिली मिक्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने ठंडा दूध लिया है। आप देख सकते हैं क्लम्प फ्री बैटर हमें मिल गया है। अब हमने इसी हाफ कप के मेजरमेंट से डाली है फ्रेश मलाई, यानी जो हमारी घर की ताज़ी मलाई होती है वही यहाँ पे हमने डाल दी है, और उसे भी बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। मलाई ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो दिन की हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसमें स्मेल आ जाती है। तो वो भी हमने डाल दी है और उसे भी एक बार हम अच्छे से चला लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से, और एक लम्प फ्री बैटर बना के हमें तैयार कर लेना है। दूसरी तरफ हमारे दूध में भी बॉईल आ गया है, गैस को हमने स्लो फ्लेम पर कर दिया है और इस बैटर को इसमें मिला देंगे। हमें दूध को ज़्यादा पकाना नहीं था, बस इसमें बॉईल लाना था, और उसके बाद हमने हमारा बैटर धीरे धीरे करते हुए सारा इसमें मिला दिया है और अच्छे से चला दिया है, जिसमें इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को हमने अगेन कर दिया है मीडियम फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पर अगेन इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे, और बॉईल आने के बाद अगेन हमें गैस को कर देना है स्लो फ्लेम पर और पकने देना है, जब तक कि हमारा ये मिश्रण, हमारा दूध और मिल्क पाउडर का जो ये घोल है, जब तक कि ये हाफ नहीं रह जाता। और आप देख सकते हैं हमारा अच्छा गाढ़ा हो गया है ये, और ये हमारा हाफ भी हो गया है। तुरंत ही अब हमें डाल देनी है यहाँ पे चीनी। चीनी भी हमने डाली है हाफ कटोरी, यानी एक कटोरी हमने दूध लिया था पहले हमारे गर्म होने के लिए, उबलने के लिए, और हाफ कटोरी फिर उसके बाद हमने दूध लिया है, मिल्क पाउडर लिया है, मलाई ली है, और आधी कटोरी ही यहाँ पे हम डाल रहे हैं चीनी। बिल्कुल अच्छे से इसे चला देंगे, यानी चीनी को बिल्कुल अच्छे से दूध के साथ हमें मेल्ट होने देना है। और जैसे ही चीनी बिल्कुल अच्छे से हमारी मेल्ट हो जाएगी, हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, और हमारे इस मिश्रण को हमें ठंडा होने देना है। और जब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसे डालने वाले हैं एक मिक्सी जार में। तो यहाँ पे मैं सारा ही जो हमारा ये घोल है, सारा ही दूध का मिश्रण हमें मिक्सिंग बाउल में डाल देना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा गाढ़ा हो चुका है ये ठंडा होने के बाद, हमें ऐसा ही चाहिए था। हमें हमारी आइसक्रीम में इसका एक मेल्टिंग फ्लेवर रखना है, अगर हम इसे इससे भी ज़्यादा गाढ़ा रखते तो वो भी बिल्कुल स्टिक, यानी बिल्कुल अच्छे से जम जाता। इसलिए हमने चीनी डालते ही तुरंत हमारी गैस को बंद कर दिया था। और अगर आपको लगता है कि आइसक्रीम में इसका भी एक हल्का सा टाइट फ्लेवर चाहिए, तो आप इसे चीनी डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए और पका सकते हैं। चलिए, हमने हमारा सारा दूध इसमें डाल दिया है, मिक्सी जार को करेंगे बंद, और हमें इसे एक बार चला लेना है। ज़्यादा नहीं चलाना है, बस एक बार चला लेंगे कि जो हमारी इसमें रबड़ी बन गई है और उसकी मलाई की वजह से हल्की सी जो टाइट हो जाता है वो बिल्कुल हमारा स्मूथ हो जाए, इसलिए हम इसे चला लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल पेस्ट जैसा हमें ये बनकर मिल गया है। बस एक बार ही मैंने इसे चलाया था। इसका हाफ पोर्शन मैं एक बर्तन में निकालने जा रही हूँ, सारा नहीं, बस इसका हाफ हम निकाल लेंगे। और हाफ पोर्शन में यहाँ पे हम डालने वाले हैं अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट मैंगो। तो हमने आम को पहले से ही कट करके रख रखा है, तो यहाँ पे हम 2 कटोरी आम डालने जा रहे हैं, यानी जिस कटोरी के नाप से हमने दूध लिया था और उसी कटोरी का नाप से हमने यहाँ पे 2 कटोरी आम डाल दिए हैं, और चला के एक स्मूथ बैटर हमारा बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने दूध की क्वांटिटी से ज़्यादा मैंगो की क्वांटिटी ली है, इसलिए हमारे मैंगो का फ्लेवर इस आइसक्रीम में बहुत ही अच्छा आ रहा है। मॉइस्चर लेवल भी इसी वजह से बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमने हमारे इस बैटर को भी एक बर्तन में निकाल लिया है। मैंने यहाँ पर हमारे दोनों ही बैटर को एक खुले बर्तन में निकाला है, आप चाहें तो उन्हें किसी एयरटाइट बर्तन में भी निकाल सकते हैं और उनका ढक्कन लगा कर उन्हें फ्रीज कर सकते हैं। मैं इस तरह से एक पॉली से कवर करके इन्हें 1 घंटे के लिए फ्रीज कर रही हूँ, और पूरे 1 घंटे बाद हम इन्हें एक बार खोल लेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमने हमारी आइसक्रीम सेट होने के लिए नहीं रखी थी, जस्ट हमने इन दोनों बैटर को एक बार फ्रीज करा था, और बस अब हमें इन्हें दोनों को ही चम्मच यानी स्पून की हेल्प से चला देना है, जिससे एयर प्रेशर इनमें अच्छे से आ जाए, हमारी आइसक्रीम बिल्कुल लाइट
सेट होकर हमें मिलेगी। तो इसी तरह से हमें चम्मच की हेल्प से दोनों ही हमारे बैटर को चला देना है। तो आप देख सकते हैं हमने हमारे मैंगो पल्प वाले बैटर को बिल्कुल अच्छे से चला दिया है और इसके अंदर हम मिक्स करने जा रहे हैं थोड़े से मैंगो के पीसेस, जो खाने में हमारी आइसक्रीम में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 स्लाइसेस मैंगो की बचा के रखी थी और उन्हें मैंने क्यूब्स में कट करके रख लिया है। बस उन्हें यहाँ पर मिला देंगे और एक बार अच्छे से चला देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मिला दिया है और एक बार इस बैटर के साथ बिल्कुल अच्छे से हमें हमारे इन मैंगो क्यूब्स को मिक्स कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने मैंगो क्यूब्स को हमारे इस बैटर के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है और बस सेम हमें हमारा जो दूसरा बैटर है वो भी चला देना है चम्मच से। अच्छे से हम उसे एक बार इस तरह से मिक्स कर देंगे, एक बार इस तरह से हम इसे चला देंगे। और इसे सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने 4 डिस्पोजल वाले ग्लास ले लिए हैं और उनमें थोड़ा थोड़ा सा मैं अपना बैटर डाल रही हूँ मैंगो वाला। करीब 2-2 स्पून बैटर हमें चारों ही ग्लास में फिल कर देना है और इन्हें फिल करने के बाद हमें एक बार हल्के हाथों से इन्हें टैप कर देना है और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे हमारा मलाई वाला बैटर, वो हमें डाल देना है करीब 1 से 1.5 चम्मच या कहें उतना जितना कि हमारे ग्लास पे एक लेयर उसकी अच्छे से स्प्रेड हो जाए उतना बैटर हमें डालना है। ज़्यादा नहीं डालना, बस एक पतली लेयर हमें स्प्रेड कर देनी है जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगेन अब हम डालेंगे हमारा मैंगो वाला बैटर। मैंगो वाला बैटर जितना हमने नीचे डाला था उससे थोड़ा सा कम यहाँ पे हम डालेंगे, करीब 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे हमें डाल देना है और उसे भी अच्छे से हमें चारों तरफ स्प्रेड कर देना है। और बस इसी तरह से हमें स्प्रेड करते हुए हमारे सारे ही ग्लासेस को सेट कर लेना है। मैंने आइसक्रीम के मलाई वाले बैटर के साथ 5 ग्लास सेट करे हैं और थोड़ा सा मैंगो पल्प वाला बैटर मैंने अलग से बचा लिया है, खाली मैंगो पल्प की आइसक्रीम हम उसकी सेट करेंगे। तो 5 ग्लासेस हमने फिल करके बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिए हैं। डिस्पोजल ग्लास में बहुत अच्छी आइसक्रीम सेट हो जाती है इसलिए यहाँ पे मैंने इनका यूज़ करा है। आप चाहें तो नॉर्मल स्टील के ग्लास या किसी कटोरी में भी इन्हें सेट कर सकते हैं। और बस इस तरह से हम एक पन्नी से इन्हें कवर कर देंगे जिससे कि जब हम इन्हें फ्रीजर में रखें तो इनके ऊपर आइस क्रिस्टल्स ना आए। और बीच में हमने एक आइसक्रीम स्टिक भी डाल दी है, इसे आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं या इस तरह से नाइफ से कट करते हुए भी आप इन्हें डाल सकते हैं। बस इसी तरह से हमें हमारे सारे ग्लासेस को पॉलिश से रैप कर देना है और इनमें डाल देना है एक एक आइसक्रीम स्टिक। आइसक्रीम स्टिक आपके पास ना भी हो तो आप इन्हें इस तरह से भी कट करके खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। चलिए हमने सारे ही ग्लासेस को अपना इस तरह से सेट कर लिया है और इनमें लगा दे रहे हैं हम हमारी आइसक्रीम स्टिक्स। और बस सेम इसी तरह से हम जो हमारा बचा हुआ मैंगो पल्प का पोर्शन है उसे डालने वाले हैं एक ग्लास में, पूरा फिल कर देंगे, उसमें हम आइसक्रीम स्टिक नहीं लगाने वाले, उसे हम ऐसे ही सेट होने के लिए रखेंगे और उसे हम कट करके ऐसे ही एंजॉय करने वाले हैं। तो हमने सारा ही हमारा बैटर एक ग्लास में फिल कर दिया है और बस इसे भी कवर करने जा रहे हैं पॉली से जिससे कि आइस क्रिस्टल्स ना आए। फ्रीजर में रख दिया था हमने इन्हें 6 से 7 घंटे के लिए। 6 से 7 घंटे बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारी ये सेट होकर तैयार हो गई हैं। सबकी पॉलिश हटा देंगे और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स इनके ऊपर नहीं आए हैं। और बस इस तरह से रब करते हुए हमें हमारी सारी आइसक्रीम्स को निकाल लेना है। आप चाहे तो डिस्पोजल ग्लास है इन्हें फाड़ के भी आप अपनी आइसक्रीम को निकाल सकते हैं। जो मेल्टिंग फ्लेवर हमें हमारे मलाई वाले पोर्शन का चाहिए था वही मेल्टिंग फ्लेवर आप देख सकते हैं। और बस इसी तरह से हमें हमारी सारी आइसक्रीम को ग्लासेस में से निकाल लेना है और आप देख सकते हैं मैंगो मलाई पल्प वाली आइसक्रीम भी हमारी कितनी अच्छे से सेट होकर तैयार हुई है। इसे हम इसी तरह से सर्कल्स में कट कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर हमारी आइसक्रीम का आया है, इजीली कट हो रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमारी सारी ही आइसक्रीम बनकर सर्विंग के लिए तैयार है। बस इसे गार्निशिंग के लिए थोड़े से टूटी फूटी हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं और आप इन्हें सर्व करें, एंजॉय करें और घर में रखे हुए कुछ इंग्रेडिएंट्स से बाजार जैसी इस आइसक्रीम को बना के ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।